शॉर्ट सेलर की लड़ाई के बीच अदानी का फ्लैगशिप मुनाफे में आया। ब्लूमबर्ग द्वारा अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए 8.2 बिलियन $99.10 मिलियन की शुद्ध आय पोस्ट की। अदानी एंटरप्राइजेज का समेकित लाभ 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए 8.20 बिलियन $99.11 मिलियन रहा, जबकि एक साल पहले 116.3 मिलियन रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। फाइल इमेज निर्मल हरिंद्रन। गौतम अदानी की प्रमुख फर्म ने लाभ कमाया और लीवरेज कम करने का वादा किया क्योंकि भारतीय अरबपति ने निवेशकों का विश्वास वापस जीतने की कोशिश की, क्योंकि एक छोटे विक्रेता ने अपने साम्राज्य के बाजार मूल्य का $120 बिलियन से अधिक का सफाया कर दिया। पश्चिमी भारत में टाइकून के गृह शहर अहमदाबाद में स्थित अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए $8.2 बिलियन $99.10 मिलियन की शुद्ध आय पोस्ट की। इसने मंगलवार को फाइलिंग में कहा, 116.3 मिलियन के नुकसान की तुलना में पिछले साल इसी अवधि में रुपये औसत लाभ पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए कंपनी पर नजर रखने वाले पर्याप्त ब्रोकरेज नहीं थे। ये भी पढ़े, अदानी संकट से भारत के बड़े उद्योगपतियों के ठीक होने की संभावना है। राजस्व 42% बढ़कर ₹266.1 बिलियन हो गया, फाइलिंग ने कहा। तथाकथित एकीकृत संसाधन प्रबंधन के साथ सबसे बड़ा टॉपलाइन योगदानकर्ता 38% उछलकर ₹175.9 बिलियन हो गया। माइनिंग, एयरपोर्ट और न्यू एनर्जी से भी रेवेन्यू दिसंबर तिमाही में दोगुना से ज्यादा हो गया। कुल लागत 37% चढ़कर ₹261.7 अरब हो गई। कमाई की घोषणा के बाद शेयरों में 10% की वृद्धि हुई, इस साल की गिरावट 53% तक गिर गई। कमाई अदानी एंटरप्राइजेज के लिए एक टेलविंड होगी, जिसमें कोयला खनन, हवाई अड्डों, डेटा केंद्रों, डिजिटल सेवाओं और धातुओं में फैले व्यवसायों का एक प्रेरक मिश्रण है। नए अदानी व्यवसायों को शुरू करने के लिए जाना जाता है, जो तब बंद हो गए थे। कंपनी ने पिछले कुछ हफ्तों में एक क्रूर मौसम का सामना किया है, जिसने $2.50 बिलियन की शेयर बिक्री को रोक दिया और यूएस आधारित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा 1 जनवरी में लेखांकन धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाने के बाद इसके स्टॉक में गिरावट देखी गई। 24 रिपोर्ट। पोर्ट टू पावर समूह ने आरोपों से इनकार करने के बावजूद इसने बड़े पैमाने पर बिकवाली शुरू कर दी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने यूएस ट्रेडेड बॉन्डर और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव के जरिए अदानी की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन ली थी। अस्थायी अस्थिरता। अदानी के चेयरमैन ने अर्निंग स्टेटमेंट में कहा, बाजार में मौजूदा उतार चढ़ाव अस्थायी है। लंबी अवधि के मूल्य निर्माण की दृष्टि के साथ एक क्लासिकल इंक्यूबेटर के रूप में अदानी एंटरप्राइजेज मध्यम उत्तोलन के दोहरे उद्देश्यों के साथ काम करना जारी रखेगा और विस्तार और विकास के रणनीतिक अवसरों को देखेगा। कहा जाता है कि अदानी समूह ने अपने राजस्व वृद्धि लक्ष्य को आधा कर दिया है और पूंजीगत व्यय योजनाओं में देरी की है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया था। भारतीय टाइकून डैमेज कंट्रोल मोड में चला गया है और अपने साम्राज्य की मजबूती में निवेशकों के साथ साथ ऋणदाताओं के विश्वास को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। समूह ने 6 फरवरी को कहा कि संस्थापकों ने 3 अदानी फर्मों में गिरवी रखे शेयरों को जारी करने के लिए $1.11 बिलियन के प्रीपेड ऋण दिए। बंदरगाहों की इकाई ने अप्रैल से शुरू होने वाले वर्ष में कुछ कर्ज चुकाने की योजना की घोषणा की है, जबकि समूह की योजना अगले महीने $500 मिलियन के पुल ऋण का भुगतान करने की है।